हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है छात्रों के लिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी बन एग्जाम और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम एंड मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी एग्जाम को लेकर रेलवे द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे द्वारा जो ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है वो ईसीए फाइनलाइजेशन को लेकर आया हुआ है। यहाँ पर जो है लगभग बिडिंग प्रोसेस जो है खत्म हो चुकी है और एक और स्टेप यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो टेंडर को लेकर काफ़ी छात्र असमंजस में थे और काफ़ी छात्र परेशान थे कि कब ये टेंडर समाप्त होगा, तो इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बाद में देखेंगे क्या सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा, रेलवे ने बोला था कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू किए जाएंगे रेलवे के, तो क्या 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होंगे या फिर इसकी डेट को बढ़ाया जाएगा। तो फुल वीडियो को देखते रहिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आरआरबी अजमेर जून की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा न्यूज एंड अपडेट पर देखेंगे तो यहाँ पर 30/9/2020 आज ही की डेट पर एक अपडेट आया हुआ है कोरिजेंडम 12 का, ठीक है, फॉर ई टेंडर नंबर आरआरबी ऑल टेंडर सीएन नंबर 03/2019। तो यहाँ देख सकते हैं कोरिजेंडम 12 आ चुका है और यहाँ पर क्या अपडेट आई हुई है इसमें हम देखेंगे। इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोटिस ओपन कर लिया है, कोरिजेंडम ओपन कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर, कोरिजेंडम नंबर 12, ई टेंडर नंबर आरआरबी ऑल टेंडर सीएन नंबर 03/2019, नेम ऑफ वर्क आरआरबी, इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल एसेक्ट्रा फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी इन इंडिया रेलवे नोटिफाइड सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नोटिफिकेशन सीएन नंबर 03/2019। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये कोरिजेंडम आया हुआ है वो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का आया हुआ है। इसी को देखते हुए फ्रेंड्स, एनटीपीसी का भी टेंडर का हम जो है अनुमान लगा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी कोरिजेंडम आया है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, तो एनटीपीसी का भी कोरिजेंडम आया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब कोरिजेंडम 12 यहां पर जो है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का आ चुका है, तो 1-2 दिन के अंदर एनटीपीसी का भी कोरिजेंडम 12 आ जाएगा। मैं ये कन्फर्म आपको बता रहा हूँ, आएगा 1-2 दिन में, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड्स, चलिएगा देखते हैं आगे क्या बोला गया है कि द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स ऑफर एंड ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड आर हेयर बाय रिवाइज्ड एज अंडर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर 5/10/2020 @15। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है कि जो टेंडर का ऑनलाइन सबमिशन जो कि लास्ट डेट जो है वो 5/10/2020 है 3 बजे, ठीक है। फ्रेंड्स, जब कोरिजेंडम 11 आया था तो उसमें ये बोला गया था कि जो डेट रहेगी वो 30/9/2020 रहेगी, यानी आज की डेट रहेगी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको फाइनल नहीं कर पाया और 5 दिन का टाइम और यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, कुछ यहाँ पर काम पूरा नहीं हो पाया हो, इस चक्कर में 5 दिन का समय बढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स, 2-4 दिन का समय इधर उधर हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 दिन के अंदर आपकी जो बिडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसका प्रोसेस क्या होता है कि सब मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का प्रीबिड कंप्लीट हो चुका है और एनटीपीसी का भी प्रीबिड कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बिडिंग की डेट थी, बिडिंग अब 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद टेक्निकल बिड ओपन होगी। फ्रेंड्स, इसका मैं बता दूं, टेक्निकल बिड जब ओपन होती है तो जितने भी वेंडर वगैरह रहते हैं टेंडर वाले, उनका स्कोर देखा जाता है। अगर सभी जिनका भी स्कोर 75% से अधिक होता है उनको ही फाइनल कर दिया जाता है। तो फ्रेंड, जिनका भी टेंडर 75% होगा, अधिक 75% प्लस होगा, उनको ही टेंडर फाइनल कर दिया जाएगा। तो जो टेक्निकल बिड की ओपनिंग की डेट जो है वो 5/10/2020 है, 5/10/2020 को ओपन हो जाएगा और देखा जाएगा कि इसका 75% से ऊपर जा रहा है किस वेंडर का, उसी को फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो रहा आपका। अब फ्रेंड्स, हम बात करें एग्ज़ाम को लेकर, क्या 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से टेंडर फाइनलाइजेशन की बात कही जा रही है उस हिसाब से देखा जाए तो टेंडर आपका काम जो है टेंडर का वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि 15 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि टाइम और बढ़ सकता है। आप 15 दिसंबर को ही टाइम लेकर के कंटिन्यू चलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस आया था, उसमें बोला गया था कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये बताया था कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होंगे। जो आपके
रेलवे के चेयरमैन होते हैं, उन्होंने ही बताया था कि 15 दिसंबर से एग्जाम होंगे। पीआईबी पर एक नोटिस आया था, उसमें भी ये बताया गया था कि आपको 15 दिसंबर से एग्जाम होंगे, तो हो सकता है कि एग्जाम 15 दिसंबर से ही संभव हो जाए, क्योंकि आप इस चीज़ को मत लेकर चलिएगा यहाँ पर 5 दिन का समय बढ़ा दिया तो हो सकता है और टाइम खींच दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर अभी से देखा जाए तो 15 दिसंबर के लिए कम से कम 2.5 महीने का समय अभी बचा हुआ है, 2 महीने का समय फ्रेंड्स। तो आप एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको बता दूँ कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम पहले हो सकता है, तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम 4 से 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। वहीं पर एनटीपीसी की मैं बात करूँ तो उम्मीद है कि 1.5 से 2 मंथ एग्ज़ाम चलने वाला है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ, हो सकता है 15 दिसंबर से सबसे पहले मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम करवा दी जाए, उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम, और तब तक ग्रुप डी का भी टेंडर फाइनल हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाए। तो उम्मीद है कि जहाँ तक है 4 से 5 महीने लगातार एग्ज़ाम कंटिन्यू चलने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। कोई और दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।